हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? तो मैंने भी सोचा है कि क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए शॉर्ट वीडियो के साथ साथ। और आज मेरा पहला ब्लॉग है, तो मैं आज सुबह क्या करती हूँ उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊँगी। तो सबसे पहले मॉर्निंग में हम गर्म पानी लेते हैं, हॉट वाटर, थोड़ा सा गुनगुना पानी, जिससे कि पेट वगैरह साफ रहे और जो भी एक्सेस जो फैट वगैरह रहता है ना वो ना हो। और उसके बाद हल्का सा थोड़ा सा मेकअप करने के बाद, लाइट सा, और करने के बाद हम हो जाते हैं रेडी। रेडी हो जाने के बाद पार्क के लिए निकलना है ना। आप लोग को जैसा कि पता हो पार्क जाने की तैयारी हो रही है, तो पार्क जाके वहाँ पे हल्की फुल्की एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करने के बाद फिर रिटर्न आएंगे जब, तो घर का काम करेंगे। और जब भी क्या है ना कि पहले हम चप्पल में ही चले जाते थे, तो बाद में जब पैर में दर्द वगैरह होना स्टार्ट हो गया ना, तो तब से क्या है कि हमने जूते पहनना शुरू कर दिए। और अभी क्या है कि जूतों में काफ़ी रिलैक्स रहता है, एक तो पैर भी नरम और मुलायम रहते हैं, दूसरा चलने में भी बहुत आसान रहता है। तो मैं तो सबको रिकमेंड यही करूँगी कि सभी लोग क्या है कि जूते ही पहन के वॉक करें। और एक बात और मैं बता देना चाहती हूँ आप लोगों को कि डेली लाइफ में क्या है ना कि वॉकिंग वगैरह, एक्सरसाइज या पीटी, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं या पानी पीते हैं या जो भी हमारा रूटीन काम है ना, वैसे ही एक्सरसाइज भी हमारे दिन का रूटीन होना चाहिए। इससे इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है और कोई भी समस्या नहीं आती। नहीं तो एक स्टेज आने पे डॉक्टर खुद ही रिकमेंड करता है कि आप 40 मिनट वॉक करो, एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो। तो वो टाइम ना आए उसको ध्यान में रखते हुए अपने आप ही खुद ही हल्का सा वॉकिंग वगैरह करना चाहिए। और बिलीव करिए दोस्तों, अगर एक बार आपने शुरू किया ना और 4-5 महीने 6 महीने अगर चले गए, मतलब बीत गए करते हुए, तो खुद ब खुद नींद खुलती है, खुद ब खुद बहुत अच्छा लगता है। और शांति में टाइम एक्सपेंड करना, क्योंकि सुबह सुबह उतने कोई ज़्यादा लोग नहीं रहते पार्क में, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये पार्क जो है ना हमारे घर से 250-300 मीटर की दूरी पर ही है, तो इतना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पे आओ, मतलब आने आ जाने का। और काफ़ी सेफ है, काफ़ी अच्छा है, बहुत सारी लेडीज़ें भी आती हैं। थोड़ा सा मैं पहले जाती हूँ क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं और एक छोटी बिटिया है, वो जाग जाएगी तो आने नहीं देगी। तो वो सब ध्यान में रखते हुए क्या है कि हम पहले ही, थोड़ा सा पहले ही निकल जाते हैं घर से और 6:15 तक रिटर्न आ जाते हैं। लगभग मैं बोलूँगी कि 1 घंटा 1.25 घंटा मैक्सिमम पार्क में रहते हैं सुबह। कभी कभी तो मन भी नहीं भी करता है सो के उठने का, जैसे कि रात में अगर देर से कभी सो गए तो सुबह आने का मन भी नहीं करता है। तो उस केस में भी क्या करती हूँ मैं, आके और चुपचाप पार्क में एक साइड में जाके बैठ के थोड़ा सा अकेले में अपने आप को टाइम देती हूँ। उससे क्या है ना कि माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और मन में थोड़ी सी शांति आ जाती है। नहीं तो क्या है कि पूरे दिन जो बच्चे हैं उनको खाना टिफिन सब तैयार करना, देना अपने हस्बैंड को देना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब वर्कआउट हो जाता, काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। तो उन सब चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना भी तो चाहिए। आप लोग मेरी बातों से एग्री हैं या नहीं एग्री हैं? तो ऐसे करके ये जितनी भी मशीनें हैं वो पार्क में है ना, ये सब मैनुअल मशीनें हैं, तो धीरे धीरे एक एक करके सबको थोड़ा थोड़ा, ऐसा मेरा कुछ टारगेट तो नहीं रहता कि ये इतना चलाना है, वो इतना चलाना है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना मन करता है उतना थोड़ा थोड़ा चला लेते हैं, और चलाने के बाद जाके थोड़ा सा हल्का सा पीटी वगैरह जो स्कूल में हमने सीखा है बचपन में, वो हल्का सा पीटी वगैरह कर लेते हैं, जिससे कि जो नसें वगैरह है ना वो खुली रहें। और कभी भी कुछ ऐसा कुछ काम करना पड़ जाए या कुछ बैग वगैरह उठाना पड़ जाए या कुछ है, तो हमें ऐसा ना लगे कि यार हम तो कर नहीं पाएंगे। तो क्या है ना कि जब आप काम ये मतलब वर्कआउट करते रहते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं, तो इससे शरीर में फुर्ती रहती है, कोई भी वजन उठाने में कोई दिक्कत नहीं होती। और आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट करके, लाइक करके प्लीज़ ज़रूर 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 बताइएगा।
आशा करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अभी मैं नई हूँ, उतना कुछ नहीं कर पा रही हूँ या उतना कुछ नहीं पता कि कैसे क्या करना है, इसलिए उतना अच्छा नहीं होगा। फिर भी आपका सपोर्ट रहेगा और डे बाय डे हम जब बनाएंगे और देखेंगे सुनेंगे तो इम्प्रूवमेंट आएगा और एक एक करके धीरे धीरे सुधार भी करेंगे। और मैं तो यही बोलूँगी कि आप लोग भी अपने बारे में बताइए और आप भी शुरू करिए। उसमें क्या है, तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा हेल्प भी होता है और टाइम भी पास होता है और मनोरंजन भी हो जाता है। थैंक यू।